स्वागत करते हैं आपका स्टीवर्ड पे। आज हम बात कर रहे हैं इक्विनॉक्स की। इक्विनॉक्स में आपको मेनली फोकस करना है सिर्फ दो फिगर्स पे। यहाँ पे मैं फोर फिगर्स बनाऊंगा, पर आपको मेनली फोकस करना है सिर्फ दो ही फिगर्स पे। तो अगर हम देखते हैं सन, पता है हमें जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसकी वजह से काफी सारे सीजनल चेंजेस होते हैं। इक्विनॉक्स क्या होता है पढ़ेंगे। इक्विनॉक्स की जो सिचुएशन होती है उस टाइम क्या होता है, सन रेज होती है वो डायरेक्टली कहाँ पड़ती हैं, इक्वेटर पे। तो ऐसा दो ही बार होगा पूरे ईयर में कि सन की जो रेज होंगी डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ेंगी। इसलिए मैं उसको पहले डेट बताता हूँ कब कब होता है वो। अगर हम देखते हैं इधर तो इधर 21 मार्च है और इधर क्या है 23 सितंबर। सो इक्विनॉक्स होता क्या है, इक्विनॉक्स देखिए इधर सनरेज कहाँ पड़ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जहां भी सनरेज डायरेक्टली पड़ेंगी वहां पे हमारा क्या होगा, ऑटम। यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में पड़े यहाँ क्या होगा, ऑटम। और जहां पे सनरेज नहीं पड़ रही है वो हमारा क्या होगा, स्प्रिंग। यहाँ पे भी क्या होगा हमारा, स्प्रिंग। तो अब बात करते हैं इक्विनॉक्स सिचुएशन में होता क्या है। सनरेज देख रहे हैं आप डायरेक्टली कहाँ पड़ रही है, इक्वेटर पे। सनरेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ने की वजह से अर्थ को ये इक्विनॉक्स की दिन क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है डे और नाइट में। तो मतलब इक्वल डे और नाइट होगा, इक्वल टाइम। जैसे लाइक अगर हम समर्स में देखते हैं डे टाइम ज्यादा होता है नाइट टाइम कम होता है, विंटर्स में देखते हैं नाइट टाइम ज्यादा होता है डे टाइम कम होता है, पर इक्विनॉक्स सिचुएशन में क्या होता है, डे और नाइट दोनों सेम होते हैं। तो इक्विनॉक्स सिचुएशन आप देख लीजिए, नाइदर अगर देखते हैं इधर क्या है, अर्थ क्या है हमारा नॉर्थ पोल के साइड टिल्ट है, इधर क्या है अर्थ साउथ पोल के साइड टिल्ट है सन की तरफ, पर इधर क्या है अर्थ इज नाइदर टिल्टेड ऑन नॉर्थ पोल नॉर साउथ पोल। तो ना तो नॉर्थ पोल पे टिल्ट है ना तो साउथ पोल पे टिल्ट है। प्लस क्या हो रहा है, डायरेक्टली सनरेज क्या हो रही है, अर्थ पे जा रही है, डायरेक्टली सनरेज कहाँ पड़ रही है, इक्वेटर पे। तो इक्विनॉक्स को और बेटर समझते हैं कुछ पॉइंट्स। पहला हमने क्या देखा है, सनरेज क्या डायरेक्टली पड़ रही थी, सनरेज डायरेक्टली फॉल्स ऑन इक्वेटर। सनरेज डायरेक्टली हमें कहाँ पड़ रही थी, इक्वेटर पे। प्लस अर्थ क्या फील कर रहा था, इक्वल डे एंड नाइट, मतलब जो डे और नाइट टाइमिंग होगी वो भी इक्वल होगी। प्लस अर्थ ने हमें देखा क्या, अर्थ नाइदर टिल्टेड ऑन नॉर्थ पोल, अर्थ इज नाइदर टिल्टेड ऑन नॉर्थ पोल नॉर ऑन साउथ पोल। ना तो नॉर्थ पोल पे टिल्ट था ना तो साउथ पोल पे टिल्ट था, डायरेक्टली कांस्टेंट था और सनरेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती है। इंपॉर्टेंट डे कौन कौन सी है जब हमारा इक्विनॉक्स पोजिशन क्रिएट होता है, एक हमारा 21 मार्च है, दूसरा हमारा क्या है 23 सितंबर। तो इतना इनफ है इक्विनॉक्स के लिए, कभी भी आ सकता है अगर पूछता डिफाइन इक्विनॉक्स या फिर व्हाट डेज इट अकर्स। तो क्वेश्चन कोई भी आए आपके पास 3 पॉइंट है आंसर देने के लिए, प्लस डेट है आपके 21 मार्च और 23 सितंबर। दैट्स इट फॉर द इक्विनॉक्स।